नमस्कार, मैं नितेश सिंह। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी से ही रिलेटेड। जो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था सोलर सिस्टम के बारे में, सौर्य मंडल के बारे में, सौर्य मंडल के बारे में जो हमने लास्ट वीडियो में बात किया था, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको, और आप वहां से जरूर उसे देखें। वो क्वेश्चन के थ्रू यानी प्रश्न के थ्रू हमने उस चैप्टर को या उस वीडियो को कंप्लीट किया है। लेकिन आज हम जानने वाले हैं सौर्य मंडल को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने वाले हैं, ठीक है। सौर्य मंडल को थोड़ा हम और एक्सप्लोर करने वाले हैं और इसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से जानने वाले हैं, क्योंकि क्लास सिक्स के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो भी सौर्य मंडल को जानना जरूरी है। इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं जितने भी वन डे एग्जाम हैं उनसे रिलेटेड। तो वन डे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों को हम इस तरह से लेकर के आए हैं कि आपको, अगर आप इस वीडियो को एक बार देखते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि सोलर सिस्टम यानी सौर्य मंडल के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो छूटेगा नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो सोलर सिस्टम है, हमने बात किया था कि सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट होते हैं यानी 8 ग्रह होते हैं, है ना, 8 ग्रह होते हैं, और इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। पहला जो होता है सूर्य के नजदीक से, अगर हम बात करें सूर्य के नजदीक डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो सूर्य के सबसे नजदीक होता है कौन, बुध, और बुध के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, हमारी पृथ्वी, ठीक है, इसके बाद है मंगल, और मंगल के बाद आता है बृहस्पति, बृहस्पति, फिर शनि और अरुण, जिसे हम यूरेनस भी कहते हैं, और वरुण, जिसे हम नेपच्यून कहते हैं। ये हमारे 8 ग्रह हैं सोलर सिस्टम, ठीक है। तो अगर हम बात करें ये पूरे ब्रह्मांड में जो हमारा गैलेक्सी है, इसमें ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं हैं, जैसे अगर हम कहें कि हमारे ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं हैं, तो कुल आकाश गंगा की संख्या जो है, आकाश गंगा की जो संख्या है हमारे ब्रह्मांड में वो है 10^11, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हमारे ब्रह्मांड में कुल आकाश गंगा की जो संख्या है वो 10^11 है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो प्रत्येक गैलेक्सी में, यानी प्रत्येक, इतनी तो क्या है ये गैलेक्सी है, आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगाएं हैं हमारे ब्रह्मांड में, और प्रत्येक आकाश गंगा में जो स्टार्स की संख्या है, जो तारों की संख्या है, स्टार्स यानी तारों की जो संख्या है वो कितनी है, तो इसमें 10^22 है। प्रत्येक गैलेक्सी में, है ना, प्रत्येक गैलेक्सी में स्टार्स जो तारे हैं वो 10^22 है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, इसी से रिलेटेड हम आगे बढ़ते हैं, तो सबसे अगर हम बात करें लार्जेस्ट गैलेक्सी, जो लार्जेस्ट गैलेक्सी है हमारे ब्रह्मांड की वो कौन है, लाइमन अल्फा ब्लब्स, है ना, लाइमन अल्फा ब्लब्स, ठीक है, लाइमन अल्फा ब्लब्स। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जो सबसे, ये लार्जेस्ट गैलेक्सी हो गई कौन, लाइमन अल्फा ब्लब्स। अगर हम बात करें नियरेस्ट गैलेक्सी टू आवर सोलर सिस्टम, यानी हमारे सौर्य मंडल से सबसे नजदीकी आकाश गंगा कौन है, है ना, एक मिनट थोड़ा सा, जो हमारा सौर मंडल है
सौरमंडल से सबसे नजदीक, सबसे नजदीक जो आकाशगंगा है, जो आकाशगंगा है वो है एंड्रोमेडा। ध्यान रखिएगा नाम, एंड्रोमेडा। यानी सौरमंडल, जो हमारा सौरमंडल है, अगर हम बात करें हमारे सौरमंडल, ठीक है, हमारे सौरमंडल से सबसे नजदीक की जो आकाशगंगा है इस ब्रह्मांड में, वो कौन सी है? एंड्रोमेडा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि हमारा जो सौरमंडल है ये किस आकाशगंगा में आता है, ठीक है, तो हमारा जो सौरमंडल है ये मंदाकिनी, मंदाकिनी आकाशगंगा में आता है, जिसे दुग्ध मेखला भी कहते हैं, दुग्ध मेखला आकाशगंगा भी कहते हैं, या इंग्लिश में अगर बात करें तो इसे मिल्क वे बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा सौरमंडल है ये किस आकाशगंगा में है, तो ये मंदाकिनी या दुग्ध मेखला या मिल्की वे में है। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे जो आकाशगंगा की, जो हमारी आकाशगंगा है ये, इसका आकार क्या है, ठीक है, इसका आकार क्या है, तो इसका आकार सर्पिलाकार है। ठीक है, जो हमारी आकाशगंगा है उसका आकार कैसा है? तो सर्पिलाकार। ठीक है, आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं कि हमारी आकाशगंगा का जो सबसे चमकीला भाग है, हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग कौन सा है या क्या है, तो वो है ओरियन नेबुला। क्या है? ओरियन नेबुला। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जो है वन डे एग्जाम में अक्सर करके पूछे जाते हैं। अगर आप इसे वन लाइनर के तौर पे ध्यान रखेंगे तो मुझे यहां तक लगता है कि ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इस पार्ट से, अगर सोलर सिस्टम से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको जरूर इस वीडियो से कई क्वेश्चन उसके मिल सकते हैं। ठीक है, और ओरियन नेबुला है क्या? तो ये है तारों का समूह या झुंड, तारों का समूह या झुंड। ठीक है, फिर इसमें हम आगे बात करते हैं कि जो हमारी आकाशगंगा है इसका सबसे चमकीला तारा कौन सा है। हमारी आकाशगंगा यानी मंदाकिनी यानी दुग्ध मेखला यानी मिल्क वे, इसका सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला जो तारा है ये कौन सा है? तो ये है सीरियस, जिसे हम डॉग स्टार भी कहते हैं, सीरियस या डॉग स्टार। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें कि सूर्य के बाद जो सबसे नजदीकी तारा है हमारे प्लेनेट से, सूर्य के बाद, सूर्य के बाद सबसे नजदीकी तारा, हमने बात किया था लास्ट वीडियो में कि जो तारा है वो कौन, सूर्य क्या है? वो तारा है। तो सूर्य के बाद अगर सबसे नियरेस्ट कोई तारा है, सबसे नजदीकी तारा, नजदीकी जो तारा है वो कौन है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। नाम ध्यान रखिएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, आई होप ये, मैं मुझे पेन चेंज कर देना चाहिए, एक बार ट्राई करता हूं पेन चेंज करके क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, आइए इसको ट्राई करते हैं। अगर इसके आधार पे ही हम आगे बढ़ें तो अगर हम बात करें अपने सोलर सिस्टम में, तो दिशाओं का ज्ञान कराने वाला,
जो दिशाओं का ज्ञान कराता है, ज्ञान कराने वाला जो तारा है वो कौन सा है भाई हमारे प्लेनेट पर? यानी वो है ध्रुव तारा। वो कौन सा है? ध्रुव तारा, जिसे नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने ये देख लिया है, ऊपर ही हमने देख लिया कि जो सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर हम अपने प्लेनेट को देखें तो किस हिसाब से हैं, पहले आता है सूर्य के सबसे नियरेस्ट बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये आठ ग्रह हैं दूरी के हिसाब से। ठीक है, इसी क्रम को हम आगे चलते हैं लेकर के, आगे देखते हैं। अगर हम बात करें सौर मंडल के सदस्य कौन कौन हैं, तो हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था, लेकिन एक बार फिर से देखते हैं कि जो सौर मंडल के जो सदस्य हैं, यानी सौर मंडल में क्या क्या हैं जिन्हें हम सौर मंडल का नाम देते हैं, है ना। तो अगर इसमें देखें तो सबसे पहले कौन है? सूर्य, यानी सन। फिर इसके बाद जितने ग्रह हैं ये सभी आते हैं। फिर इसके बाद क्षुद्र ग्रह, अगर हम बात करें क्षुद्र ग्रह के बाद, तो क्षुद्र ग्रह के बाद आता है उपग्रह। फिर हम बात करेंगे धूमकेतु। फिर इसके बाद उल्का पिंड, और उल्का पिंड के बाद क्या आता है जो हमारे यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, वो क्या है? धूल कण या गैसें। ठीक है, धूल कण व गैसें, व गैसें। ठीक है, ये सभी है, ये सौर मंडल के सदस्य हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि जो अगर ऐसा देखा गया है या ऐसा माना जाता है कि जो सूर्य है ये हमारे सौर मंडल का जनक कहा जाता है। सूर्य है ये सौर मंडल का क्या कहलाता है? जनक कहलाता है। ठीक है, अगर हम बात करें सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वो कितनी है, तो 14.98 करोड़ किलोमीटर, यानी लगभग ये कहा जाता है 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, फिर एक टर्म आता है खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई किसे कहते हैं? तो खगोलीय इकाई जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, बीच की औसत दूरी, औसत दूरी जो है उसे एक खगोलीय इकाई कहते हैं, इकाई कहते। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और एक खगोलीय इकाई यानी कितनी हो गई? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, करोड़ किलोमीटर एक खगोलीय इकाई। जैसा कि हमने देखा सूर्य जो है पृथ्वी से कितना दूर है, सूर्य की जो दूरी है पृथ्वी से वो कितनी है? 14.98 यानी 14.98 करोड़ किलोमीटर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। और एक टर्म आता है खगोलीय इकाई किसे कहते हैं? तो खगोलीय इकाई जो टर्म है ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को कहा जाता है। एक खगोलीय इकाई मतलब
कितना हुआ, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, और वो कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। जो सूर्य के प्रकाश की गति है, स्पीड है, इसके बारे में बात करते हैं, यानी स्पीड, स्पीड ऑफ सन्स लाइट। सूर्य के प्रकाश की जो गति है वो लगभग 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा, सूर्य की जो प्रकाश की स्पीड है, दर है, वो कितनी है, तो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करें जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश को अगर हम बात करें कि पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है, अगर इसको हम देखें कितना समय लगता है, तो ये जो समय है 8.18, यानी अगर हम ये कहें, अगर इसको ऐसे लिख लिया जाए, तो 8 मिनट 18 सेकेंड। ठीक है, कहीं कहीं इसे 8.20 मिनट भी लिखा जाता है, यानी कि 8 मिनट 20 सेकेंड भी लिखा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रख। फिर आगे बात करते हैं, तो सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग कितना बड़ा है, तो सूर्य सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक है, सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। अगर वहीं हम इसकी त्रिज्या की बात करें, सूर्य की त्रिज्या और पृथ्वी की त्रिज्या में तुलना करें, तो जो सूर्य की त्रिज्या है, सूर्य की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 109 गुना, ध्यान दीजिएगा, 109 गुना अधिक। यानी अगर हम बात करें इसके साइज की, तो सूर्य जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, लेकिन अगर वहीं हम बात करेंगे सूर्य की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 109 गुना बड़ा है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं इसमें। फिर अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण की, तो सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल से 28 गुना क्या है, बड़ा है। ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे कि जो सूर्य का सूर्य जो जैसे हमने बात किया था कि सूर्य क्या देता है, हमें ऊर्जा देता है, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है, तो ये है नाभिकीय संयलन। ठीक है, ये नाभिकीय संयलन होता है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई इसको,
फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगर सूर्य के बारे में हम बात करें, ठीक है, तो जो सूर्य का चमकीला भाग है वो क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल कहलाता है, ठीक है। सूर्य का जो चमकीला भाग है अगर हम बात करें, चमकीला भाग है ये प्रकाश मंडल कहलाता है, ठीक है, प्रकाश मंडल कहलाता है। ये प्रकाश मंडल जो है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या क्या है प्रकाश मंडल। तो एक होता है इसमें क्या, कोरोना तो बोलते हैं कोरोना, और दूसरा होता है कोर। कोरोना का मतलब क्या हुआ? किरीट, हिंदी में इसको बोलते हैं किरीट, और कोर का मतलब हुआ क्या? क्रोड, ठीक है, ये ध्यान दो। प्रकाश मंडल जो है दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। और लगभग जो सूर्य का टेम्परेचर होता है, अगर हम बात करें टेम्परेचर का, तो ये होता है लगभग 6000 डिग्री। सूर्य का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आइए कुछ और बात करते हैं सोलर सिस्टम से रिलेटेड। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक सौर ज्वालाएं जो है, एक सौर ज्वालाएं बनने में जो है 11 वर्ष लगता है, ठीक है, और एक सौर कलंक बनने में 11 वर्ष लगता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम ऐसे ओरली देखेंगे। इसके बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया यहां तक क्या सूर्य के बारे में। आइए हम थोड़ा ग्रहों के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो ग्रहों में जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन आया था कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जो बाकी ग्रहों से विपरीत दिशा में परिक्रमण करते हैं, सूर्य का परिक्रमण करते हैं। हमने बात किया था एक होता है कौन, शुक्र, और दूसरा कौन होता है अरुण यानी यूरेनस। ये जो दो ग्रह हैं ये क्लॉकवाइज घूम, हमने बात किया था ये क्लॉकवाइज परिक्रमण करते हैं, ठीक है, यानी किधर से भाई? तो पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर ये परिक्रमण करते हैं, जबकि सॉरी ये है एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान दीजिएगा। एंटी क्लॉकवाइज बाकी जो छह होते हैं, छह ग्रह होते हैं, वो कैसे टर्न करते हैं? क्लॉकवाइज, ठीक है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो देखिए, बहुत सारे ऐसे आज टॉपिक या टर्म आने वाले हैं जो पिछले वीडियो से रिलेटेड हैं। तो यहां क्या होगा, एक तरह से आपका फायदा ही है कि हम इस चीज को क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर पा रहे हैं। फिर से हमने बात किया था उसमें आंतरिक ग्रह, आंतरिक आंतरिक ग्रह के बारे में और बाह्य ग्रह के बारे में, बाह्य ग्रह के बारे में हमने बात किया। तो आंतरिक ग्रह हमने बात किया था कि बुध, शुक्र,
पृथ्वी और मंगल, यानी सूर्य के जो सबसे नियरेस्ट चार ग्रह हैं वो कौन से ग्रह कहलाते हैं? आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और बुध के सूर्य के सबसे नियरेस्ट में बुध है, शुक्र है और पृथ्वी और मंगल। ठीक है, इसको सही कर लेते हैं फिर से। मंगल, ये चार ग्रह जो है बुध के नियरेस्ट जो चार ग्रह हैं ये क्या कहलाते हैं? आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और इसके अपोजिट जो चार ग्रह बचते हैं यानी बृहस्पति, शनि, ठीक है, अरुण और वरुण, ये जो चार ग्रह हैं ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। और इसमें एक टर्म हमने देखा था कि ये जो है सॉलिड यानी कह सकते हैं कि पहाड़ पर्वत से बने हुए हैं, सॉलिड से बने हुए हैं, और ये जो चार हैं ये किससे बने हुए हैं? ये लिक्विड यानी तरल और गैस से बने हुए। ठीक है, अगर हम इसको आकार के क्रम में अगर एक तरह से देखा जाए, है ना, तो अगर हम कहें कि इसको हम आकार के क्रम में देखें, इन ग्रहों को आकार के क्रम में रखें, ठीक है, घटते हुए क्रम में, घटते हुए, तो क्या होगा? सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है, इसके बाद आता है कौन, अगर ऐसे हम साइन दे दें, बृहस्पति, शनि, शनि से छोटा है अरुण, अरुण से छोटा है वरुण, वरुण से छोटा है कौन? पृथ्वी, और पृथ्वी से छोटा है शुक्र, शुक्र के बाद छोटा साइज में छोटा हो गया कौन? मंगल, और मंगल के बाद कौन आता है सबसे लास्ट में? बुध। तो ये टर्म याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम इस चीज को देखें, ध्यान दीजिएगा, यहां पे इस टर्म को हमने देखा था कि आंतरिक ग्रह जो है कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अगर इसी को थोड़ा सा एनालाइज कीजिए तो देखिए क्या है, आकार के क्रम में अगर हम घटते हुए लिखते हैं तो सबसे पहले कौन आया? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि जो बाह्य ग्रह हैं, ये जो चार ग्रह हैं बाह्य ग्रह का, तो वो जो है ऑर्डर में है, कहां से? पढ़ते हुए क्रम में। अगर हम देखें तो सबसे बड़ा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी ये जो चार ग्रह हैं ये क्या है? बाह्य ग्रह भी हैं। ये क्या है? बाह्य ग्रह भी हैं। ये ध्यान दीजिएगा। और ये जो चार है, थोड़ा सा इनका ऑर्डर चेंज हो गया है, लेकिन ये जो लास्ट के चार ग्रह हैं अगर साइज के अनुसार हम अरेंज कर रहे हैं तो ये कैसे हैं? तो आंतरिक ग्रह है। ठीक है, ये आंतरिक ग्रह है। तो हमारी पृथ्वी कितने नंबर पे आती है? अगर साइज के अकॉर्डिंग हम बात करें तो सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी, अगर हम कहें ग्रहों में, आठ ग्रहों में पृथ्वी जो है पांचवें नंबर पे बड़ी है, यानी अगर साइज देखा जाए तो ये पांचवें नंबर पे। फिर आइए हम बात कर लेते हैं एक एक करके सभी ग्रहों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम किसके बारे में? बुध के बारे में। बुध ग्रह का जो फीचर है इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? ये सूर्य के नजदीक है, सूर्य के सबसे नजदीक है। ठीक है, सबसे नजदीक है। दूसरा फीचर हम क्या देख रहे हैं इसमें? ये सबसे छोटा है। क्या है ये? अभी हमने ऊपर देखा, ये सबसे छोटा ग्रह है।
अगर हम तीसरे फीचर की बात करें तो इसका जो दैनिक तापांतर है यानी जो ताप का अंतर होता है, ये लगभग इसका जो तापांतर है ये 600 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, जो तापांतर है ये 600 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी अगर हम दिन का तापमान देखें तो दिन में लगभग ये 427 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि रात में इसका जो टेम्परेचर है ये -173 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ठीक है, यानी दिन में 427 डिग्री सेल्सियस होता है और रात में -173 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी दिन और रात में जो ताप का अंतर होता है वो कितना होता है, 600 डिग्री सेल्सियस। फिर आगे हम बात करते हैं तो इस ग्रह पर क्या है, चौथा फीचर, यहां कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है, वायुमंडल नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद हम पांचवा फीचर देखेंगे तो इसका कोई उपग्रह नहीं है, यानी बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं। ठीक है, अगर हम छठा फीचर इसका देखें तो इसका जो परिक्रमण काल है यानी सूर्य का जो परिक्रमा करता है ये कितने दिन में कर पाता है, परिक्रमण काल जो है इसका कितना है, 88 डेज। ठीक है, सूर्य की ओर जो चारों ओर चक्कर लगाता है ये कितने दिन में लगा लेता है, तो 88 दिन में ये एक चक्कर कंप्लीट। अगर हम फिर बात करें दूसरे प्लेनेट की जो कि क्या है, शुक्र, शुक्र ग्रह के बारे में अगर हम बात करें तो इसके फीचर्स को जान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो ये सबसे गर्म ग्रह है, सबसे यानी 8 ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, यानी क्यों गर्म है, तो यहां 90 से लेकर के लगभग 95% क्या पाया जाता है इस पे, इस ग्रह पे कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए ये सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, फिर दूसरा फीचर जो है अगर हम बात करें तो ये जो शुक्र है ये पृथ्वी का सबसे, पृथ्वी से सबसे नजदीकी का ग्रह है यानी सबसे नियरेस्ट है, नजदीक वाला ग्रह, नजदीक ग्रह है। ठीक है, शुक्र सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है पृथ्वी के अकॉर्डिंग, यानी पृथ्वी से अगर क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है तो कौन सा है भाई, शुक्र है। ठीक है, तीसरा अगर हम फीचर इसकी बात करें तो ये सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है। अगर हम चौथे फीचर की बात करें इसकी तो इसे पृथ्वी की या पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। इसके बाद अगर हम और फीचर की बात करें तो इसे शुक्र ग्रह को ही भोर का या शाम का तारा कहा जाता है। ठीक है, अगर हम इसके परिक्रमण काल की बात करें, ठीक है, परिक्रमण काल की बात करें, ये जो सूर्य का जो चक्कर लगाने की बात होती है तो ये जो है लगभग 243 दिन में, यानी बुध जो है 88 दिन में एक परिक्रमण करता है, एक चक्कर लगाता है, जबकि सूर्य, सॉरी तो करेक्ट कर लीजिएगा, ये है लगभग 225 दिन। ठीक है, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर ये कंप्लीट। ठीक है, और ये पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करता है, हमने अभी बात किया कि शुक्र और यूरेनस जो है अरुण ये अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, अगर हम यहां पे बात करें तो ये सूर्य का परिक्रमण जो है विपरीत दिशा में कर, विपरीत दिशा से,
विपरीत का मतलब क्या है? ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में, पूर्व से पश्चिम की दिशा में ये परिक्रमण कर, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं इसके बारे में। और इसका एक फीचर क्या है कि इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, जैसा कि बुध में देखा था हमने, उसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है, उसी तरह से उपग्रह नहीं है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं तीसरे ग्रह, मंगल के बारे में। हम बात करेंगे पृथ्वी के बारे में भी, लेकिन थोड़ी पृथ्वी हम अलग से बात करेंगे पृथ्वी के बारे में, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी जो है बहुत ज्यादा चीजें उसमें हम जानेंगे एक बार। तो इस चीज को पहले देख लेते हैं मंगल ग्रह के बारे में। तो इसके अगर फीचर की बात करें तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसके साथ साथ ये भी बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, कहने का मतलब लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, तो इसके सतह पे जो है आयरन ऑक्साइड, मंगल ग्रह पे आयरन ऑक्साइड की जो है अधिकता पाई जाती है, इसलिए यहां का जो सतह है लाल दिखता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, लाल ग्रह भी बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मंगल के दो उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं भाई? तो दो उपग्रह हैं, कौन कौन से? फोबोस और डीमोस, ये दो उपग्रह। ध्यान दीजिएगा, मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, दो चंद्रमा हैं, फोबोस और डीमोस, ठीक है। आइए इसके और फीचर्स के बारे में बात करते हैं। जो डीमोस है, जो इसका उपग्रह है डीमोस, ये हमारे जो सौरमंडल है, अगर हम बात करें हमारे सौरमंडल में, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात क्वेश्चन आता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो है मंगल ग्रह का उपग्रह डिमोस, जो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अगर हम बात करें इसके परिक्रमण काल की, तो ये जो सूर्य का परिक्रमण कर पाता है मंगल ग्रह, ये कितने दिन में कर पाता है भाई? तो 685 दिन में या डेज में कर पाता, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। हम आगे इसके बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।